अस्सलाम वालेकुम वीकली मिरर की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उमे लैला। इस वक्त हम T2F कराची में मौजूद हैं, जिधर क्लासिकल म्यूज़िक की वोकल क्लासेस हर वीक कंडक्ट की जाती हैं। क्लासिकल म्यूज़िक हमारे माशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको दिलों की धड़कन कंसिडर किया जाता है। बहुत से मौसीकी के घराने इसकी खिदमत कई सालों से करते आ रहे हैं और आज मुझे मौका मिला है कि एक नामवर उस्ताद उस्ताद महमूद अली खान से मैं आप सबकी बातचीत करूँ। चलिए इस वक्त हम उस्ताद महमूद अली खान के साथ मौजूद हैं, आए इनसे बातचीत करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक सर, आप कैसे? क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। मेरा ताल्लुक उसी के घराने ग्वालियर से है और ग्वालियर जो है वो एक हिपो पॉप का बहुत बड़ा घराना है जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खिदमत की। इस घराने में बहुत बड़े बड़े गायक पैदा हुए और मेरे अपने फैमिली में मेरे बड़े भाई थे उस्ताद जफर अली खान साहब और फिर मेरे चचा, मेरे वालिद उस्ताद कुदरत उल्लाह खान साहब, उनके भाई आशिक अली खान साहब, मजहूर अली खान साहब, फिदा हुसैन खान साहब, ये इस सदी के बड़े गायकों में इनका शुमार होता है। फिर मेरे दादा उस्ताद मुबारक अली खान साहब और उनके भाई मुराद अली खान साहब, दीपे खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, तो ये बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट किया और उसमें बहुत ज़्यादा नाम पैदा किए। और इसको असल में सीखना जो है ना वो बड़ी तवज्जो से सीखना पड़ता है। शागिर्द को चाहिए कि वो बड़ा वक्त देना पड़ता है इसमें, तब जाकर वो फिर वो कुछ हासिल करता है। तो आजकल नौजवानों में किस हद तक इसका शौक पैदा हो रहा है? देखिए, नौजवानों में इस वक्त जो है ना बड़ा शौक है इस बात का जी, और वो सीख भी रहे हैं और मेरे कई शागिर्द जो है तो इसमें गा भी रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक प्योरली। और इसके अलावा इस वक्त हमारी यंग जनरेशन में बड़ा इसका क्रेज़ है, बड़ा अच्छी बात है ये जी। इसके लिए इंडस्ट्री में भी ऐसा ऐसा मैं देखूँ क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए बात ये है कि आप सच्चाई को कभी झुठला नहीं सकते। क्लासिक जो है वो हमारी सच्चाई, हमारा कल्चर है, तो ये किसी ना किसी तरीके से आएगा और आ रहा है जी। और बड़े हम पुरुद हैं इस पर और ख़ुशी भी है हमें इस बात की कि आप जैसे नौजवान फिर इसको रिवाइव कर रहे हैं और उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मेडिटेशन के लिए भी लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मतलब? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मुल्क में तो बहुत कम किया गया है लेकिन हमारे जो यूरोप है उसमें ज़्यादातर इसमें जो इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं बाकायदा रागों के साथ, तो ये बड़ा असर अंदाज होता है। देखिए आपकी रूह जो है ना ये आपकी, इसका ताल्लुक आपकी रूह से है। सही। मतलब क्लासिकल म्यूज़िक से या म्यूज़िक से आप अपना पेट नहीं भरते लेकिन आपकी जो रूह होती है वो खुश होती है। तो जब आपकी रूह खुश होगी तो आपकी बहुत सारी जो आपके जैसे डिप्रेशन है, आपकी और दूसरी बीमारियाँ हैं, उसमें बड़ा ये काम करता है। उसकी ये है कि आप उस मौसीकी को सुनें, शर्त ये है आप जब सुनेगी तो आप पर उसका असर होगा बाकायदा। अब देखिए ना आप, हाँ कभी कभी आप सर हिलाती हैं, कभी बहुत ज़ोर से तालियाँ बजाना शुरू कर देती हैं या कभी बेहाल हो जाती हैं, तो ये सारी म्यूज़िक जो है ना वो आप पर असर करता है आपके उस पर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने अब आपकी मुलाकात करवाई उस्ताद महमूद अली खान से, तो आइए चल के इसी वोकल क्लासेस की एक स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। वालेकुम सलाम सबीन नुमान। अच्छा सबीन नुमान, आपका यहाँ कैसे शौक पैदा हुआ क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ? Actually, I knew about this talent. I was skilled ke I was able to, you know, sing. So I always wanted to learn, but unfortunately, despite the encouragement of my family, I couldn't avail any learning. क्योंकि आपको पता है शादी, बच्चे, you know, house chores. Luckily, I came to know about Ustaad Mehmood Ali Khan, और फिर it's been
मोर देन 2 ईयर्स मैं यहाँ पे उनके पास हर सैटरडे को रियाज करने आती हूँ एंड आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट पीस ऑफ माइंड तो इट्स अ ग्रेट सो फार इट्स ग्रेट लाइक यू सेड कि आपको 2 साल हो गए हैं दो साल हो गए हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट आई है वोकल्स में ऑफ कोर्स आई कैन सी ग्रेट इम्प्रूवमेंट बट आई नो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो सो इज़ योर फैमिली सपोर्टिव टू ओह वेरी सपोर्टिव स्पेशली माई हस्बैंड ही हैड बीन वेरी सपोर्टिंग ही वाज़ इनकरेजिंग मी ऑल द टाइम बट समहाउ ये कनेक्शन मुझे मिला और अभी आई हैव स्टार्टेड लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी ये आपका शौक है या आपने इसको प्रोफेशनली परस्यू करने का भी प्लान किया अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अभी सिर्फ मैं इसको फैमिली गैदरिंग फ्रेंड सर्कल में सोशल सर्कल में कोई इवेंट्स होते हैं बर्थडे हो गई कोई शादी हो गई तो मैं जो भी यहाँ से मैं लर्निंग लेके जा रही हूँ उसको मैं उधर इंजॉय करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ एंड दे हैव बीन वेरी अप्रिशिएटिव अच्छा तो मैंने क्लासेस में देखा कि हर एज ग्रुप का स्टूडेंट ओह यस इसकी कोई बाउंड्रीज थोड़ी होती है क्लासिकल म्यूजिक में तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करती हैं कि इस तरफ आए यस अगर मेरी बच्ची आई फील लाइक शी कैन रियली अवेल दिस बिकॉज उसकी है माशाल्लाह अच्छी आई कैन सी दैट तो मैं उसको इनक्रेज करती हूँ कि आप ज़रूर जाएँ और लेट्स सी ऑफकोर्स उसकी अपनी कॉन्सेंट इसमें शामिल हो तो आई वुड लव टू सेंड हर हियर सेंडिंग हर बीन थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच इट वॉज प्लेजर क्लासिकल म्यूज़िक हमारे कल्चर की जड़ों में बसी हुई है ना तो इसका कोई रंग है ना मज़हब ना सरहद ना नस्ल होपफुली आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई एपिसोड में अल्लाह हाफिज़